Hello friends, welcome back to my channel Yes Boy Creation. Today in this video I will show you one of the first of IPEP named Freshers. This is also known as Parichay. So let's start it. आज के जितने भी नए दोस्त हैं उन सबका तहे दिल से अभिनंदन। मैं आज ये कह के शुरू करना चाहता हूँ कि आज सभागार में जितने भी प्रथम वर्ष के मेरे दोस्त बैठे हैं, किसी ना किसी को कभी ना कभी छोटे में या आज के टाइम पे भी कोई ना कोई तो पसंद आई होगी लड़की, और लड़की को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर किसी यहाँ पे बहुत से लोगों को एक बार जिंदगी में सच्चा प्यार हुआ हो जैसे मुझे हुआ था। लेकिन ये बदकिस्मती है मेरी या खुदा की नाराजगी कि मुझको वो हासिल नहीं हो पाया, तो मेरी कलम ने कुछ लिखा जिसे मैं आज आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी बीत गई किसी की तलाश में, खुद को खो दिया तुझे ढूंढने के आस में। जिंदगी बीत गई किसी की तलाश में, खुद को खो दिया तुझे ढूंढने के आस में। इतना तो यकीन है मुझे मेरे खुदा पर, इतना तो यकीन है। अगली लाइन में गौर फरमाइएगा सब लोग, अगर पसंद है तो तालियां चाहिए चाहूंगा कि इतना तो यकीन है मुझे मेरे खुदा पर कि बैठी होगी तू एक दिन मेरे घर आने के प्रयास में। कि बैठी होगी तू एक दिन मेरे घर आने के प्रयास में। तू मौजूद है क्या ये इंतहा नहीं बख्शीश की, तू मौजूद है क्या ये इंतहा नहीं बख्शीश की। अब क्या मांगू खुदा से दरगाह में, फिर तेरी कुर्बत होगी और मुकम्मल होगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताना चाहूंगा, इसका मतलब होता है फ्यूचर। फिर तेरी कुर्बत होगी और मुकम्मल होगा मुस्तकबिल, ये वादा कर दे कि मरू सुकून से इंतकाल की रात में। अब आज की मेरी अगली कविता इस सभागार में उपस्थित जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं और जितने भी अध्यापक गण बैठे हैं, यहाँ पे कुछ अध्यापक महिला अध्यापिकाएं हैं जो खुद भी माँ होंगी, और यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं उन सबकी माओ के लिए मैं अपने तहे दिल से उनके लिए आदर प्रकट करना चाहता हूँ। और मेरे खासकर जो मेरे हॉस्टल के दोस्त हैं जो अभी प्रथम वर्ष में आए हैं, जब यार हम लोग कभी भी एक बार तुम देखोगे 4 साल जब तुम हॉस्टल का खाना खाने जाओगे मेरे से, तुम्हें जरूर ये ख्याल आएगा कि यार घर पे माँ ने क्या बनाया होगा। तो ये दर्द यार, मैं थोड़ा खाने का शौकीन आदमी हूँ तो मेरे को ये दर्द होता, तो मैंने उसको लेके माँ के लिए कुछ लिखा था। मैं ये 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा, अगर आप सबको पसंद आए तो तालियों से स्वागत करिएगा। मैं कहना चाहूंगा कि 9 महीनों की भीष्म तपस्या है माँ, 9 महीनों की भीष्म तपस्या है माँ, दीदारे जहां और पहला लफ्ज है माँ। 9 महीनों की भीष्म तपस्या है माँ, दीदारे जहां और पहला लफ्ज है माँ। ईश्वर का खूबसूरत अवतार है माँ, शब्द नहीं एक विचार है माँ। नहीं के दांत तब स्तनपान है माँ, जब हम छोटे होते हैं हमें तो खाने की भी अकल नहीं होती, हमारे पास दांत भी नहीं होते, तब भी एक माँ है जो हमारा पेट भरती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं के दांत तब स्तनपान है माँ, रातों में नींद तो दिन की देखभाल है माँ। पापा का गुस्सा आज मेरे कोई गलती हो जाती है घर पे तो पापा जरूर डांट देते हैं, लेकिन अगर माँ बीच में खड़ी हो तो पापा फिर कुछ नहीं बोलते। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रातों की नींद तो दिन की देखभाल है माँ, पापा का गुस्सा तो बेशकीम की ढाल है माँ। लेकिन मैं आप लोगों ने भी, मेरे दोस्तों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में कभी कभी जब आप बहुत बड़ी गलती कराते हो
तो एक बार तो पापा आपको कुछ ना बोले, लेकिन माँ बहुत गुस्सा करती है। जब माँ गुस्सा करती है तो वो अलग ही गुस्सा होता है, उसको उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पापा का गुस्सा तो बेशकीम की ढाल है ना, पर हो जो गलती कुछ खास, पर हो जो गलती कुछ खास तो झेल ना पाओ वो बुरा हाल है माँ। अच्छा अच्छाइयों अच्छाइयों को बचाए वो दुराचार है माँ। शहीदों के जिस्म का रक्त संचार है माँ। दो शब्द का छोटा पर पूरा संसार है माँ। मत करना इसका बेड़ा पार, मत करना इससे बेवफाई, जिंदगी का मूल आधार है माँ। घमंडी है सोचते आज के समय में, आजकल जब भी बात पढ़ता हूँ तो देख के या पढ़ के बहुत दुख होता कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी जिंदगी अकेले जीते हैं। तो आगे का एक नुक्ता मैंने इसीलिए लिखा था, मेरे को बहुत दुख होता है सब देख करके, कि घमंडी है सोचते है क्या माँ वृद्धाश्रम में छोड़ते और हाय तड़पती है माँ। घमंडी है सोचते है क्या माँ वृद्धाश्रम में छोड़ते और हाय तड़पती है माँ। कटते नहीं लम्हे मर मर के जीती है माँ, अपने ही घर जब बेघर होती है माँ। मरते वक्त भी जो दे आशीर्वाद वो ममता की मूरत है माँ। तुम समझे मरते वक्त भी जो दे आशीर्वाद वो ममता की मूरत है माँ। तुम समझे तो ठीक, वरना पूछना जाकर उनसे दिल पे नहीं होती है माँ। अभी माँ की बात हुई तो ऐसा नहीं है कि फादर का कोई लाइफ में रोल ही नहीं होता, फादर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अध्यापक गणमेल भी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए मैं कुछ उनके लिए भी कहना चाहूँगा। अभी रिसेंटली फादर्स डे था तो उस पर मैंने ये चार लाइनें अपने पिताजी को समर्पित की थी। एक मिनट सर जरा मुझे, हाँ ये है, मैं ध्यान से सुनिएगा, शायद आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, कि आई मुसीबतें हजार। यार देखो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे ऊपर कई मुसीबतें आई, मैं कई बार की चीज़ों में फंसा, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन कभी मेरे फादर ने मेरे को ऐसे डिमोडलाइज नहीं किया। तो मैंने उनके लिए लिखा था कि आई मुसीबतें हजार लेकिन उनको हारते नहीं देखा, आई मुसीबतें हजार लेकिन उनको हारते नहीं देखा। बहुत पड़ी वक्त की मार उनकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा, कि ये पूरे अपने सारे अरमान पर उन जेबों को कभी खाली नहीं देखा। यूं तो मैं गिरा कई बार पर उनकी कुर्बत को गिरते नहीं देखा। खूबियां तो ये सारी खुदा की हैं, यूं ही नहीं इस जहां ने वालिद तुझ में खुदा को देखा। मैं बता रहा था शुरू में, मैंने कहा था कि मेरी जो सच्ची मोहब्बत थी वो पूरी नहीं हो पाई। दरअसल हुआ ये कि लड़की ने मना नहीं किया था, मैं बोल ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। तो उसमें यार दिक्कत ये हो गई कि फिर वो आप क्या कि अब तो स्कूल छूट कर कॉलेज आ गए तो अब टाइम ही नहीं मिलता। तो एक दिन ऐसे वही सोच रहा था तो मेरे दिमाग में चार लाइनें आई तो मैंने लिखी, आप अगर अच्छी लगे तो स्वागत करिएगा। कि सही वक्त का इंतजार था, क्या बताएं गालिब की बहुत देर हो चुकी है। सही वक्त का इंतजार था, क्या बताएं गालिब की बहुत देर हो चुकी है। हाले दिल बयां करें तो करें कैसे, उन नजरों को देखा और एक अनकही इनकार हो चुकी है। अंत में हम सब आज यहाँ बैठ के आनंदित हो रहे हैं, हमारे सारे दोस्त सब हमारे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा माहौल है। लेकिन इस अच्छे माहौल और इस देश के इस माहौल के पीछे हमारे सैनिक जो आज वहाँ पे बैठे हैं, बर्फ के पास कोई रेगिस्तान में बैठा है, वो आज भी मर रहे हैं, आज ही शहीद हो गए हैं। तो उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको याद करें, जब कभी आपको मौका मिलना आप याद करूं। तो मैं उनके लिए भी कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि ये जो लम्हा जो कुछ मतवालों के पास आता है जिस पल सबको उन्हीं का ख्याल आता है, अरे खुदा भी फक्र करता है तुम्हें देख कर,
खुदा विफक्र करता है तुम्हें देखकर जिस पल तू इस मिट्टी के लिए शहीद हो जाता है। मोदी सरकार के यशस्वी मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटा दी कश्मीर से, तो इसको लेके सबके अंदर खुशी तो होगी भाई। हाँ या ना बोल दो यार। तो 370 के लिए भी मैंने कुछ लिखा था, मैं वो अपनी अंतिम लाइनें बोल के यहाँ से विदाई लूंगा कि गलती हुई एक बार सुधार अभी बाकी था। गलती ध्यान से सुनना भाई, 370 पे लिखा था, गलती हुई एक बार सुधार अभी बाकी था, कश्मीर तुझसे है प्यार पर इकरार अभी बाकी था, हुई जन्नत रूबरू पहली बार 370 तेरा इंतकाम अभी बाकी था। जय हिंद, वंदे मातरम।